आप देख रहे हैं अपना समाचार। गए थे उनसे जानलेवा हमला हुआ, फिर मनोज जी पे भी उनको भी मतलब बहुत बुरी तरह से अगर कह सकते तो मिसबिहेव किया गया। कितनी बुरी बात है। तो मनोज जी पॉलिटिकल लीडर भी हैं और इतने बड़े कलाकार भी हैं, ये सारे जी इतने बड़े कलाकार हैं, ये असुरक्षा की भावना पैदा करती है और भी कलाकारों में, क्योंकि अगर आप कहीं भी जाते हैं स्टेज शो में या कोई फंक्शन में तो अगर ऐसा मिसबिहेव किया जाएगा तो लोग जाना छोड़ दें। एक्चुअली बहुत हॉच पॉच है, समझ पाना बहुत मुश्किल है कि खेसारी जी सही है या सुधीर जी सही है, क्योंकि खेसारी जी ने कहा कि सुधीर जी ने हमला करवाया, सुधीर जी ने लाइव आके बोला कि मेरा इसमें कोई हाथ नहीं था, तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि एक्चुअली क्या चल क्या रहा है। लेकिन अगर खेसारी जी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ, उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा हुआ और ये चीज़ हुआ, मैंने भी लाइव वीडियो में देखा, गाड़ी के कांच तोड़े गए, पथराव हुआ, ये बहुत गलत हुआ है किसी भी कलाकार के साथ, फिर चाहे वो खेसारी जी हो, मैं हूँ या जो भी हम कलाकार बिहार यूपी में शो के लिए जाते हैं, ऐसा मिसबिहेव किसी भी कलाकार के साथ नहीं होना चाहिए। बिकॉज हम सब, जो पब्लिक जो मुझे देख रही है, हम सब आपके लिए जाते हैं, आपके बीच में आपको एंटरटेन करने के लिए, आपको गाने सुनाने के लिए। अगर आप हमारे साथ ऐसा बिहेव करेंगे तो फिर हम भी इनसिक्योर फील करेंगे कि हम कैसे जाएं बिहार में शो करने के लिए, वहाँ तो ऐसा होता है वैसा होता है। तो अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर कोई भी कलाकार वहाँ शो के लिए नहीं जाएगा। और ये जो शो का पैटर्न अभी चल रहा है, सब लोग इतने सारे शोज हो रहे हैं अभी के टाइम में, धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे, फिर हम पब्लिक से रूबरू नहीं हो पाएंगे। तो ये जो हुआ है ये बहुत गलत हुआ, मैं इसकी बहुत निंदा करती हूँ। खेसारी जी के साथ जो हुआ बिहार में, जो हमला हुआ, ये बहुत गलत हुआ है। मैं भोजपुरी के सभी लोगों से चाहूँगी कि इस चीज़ को सपोर्ट करें कि ये जो चीज़ें हो रही है हमारे साथ ना हो, क्योंकि हम सब कलाकार वहाँ शो के लिए जाते हैं, बिहार रूपी पब्लिक के बीच जाते हैं, आप सबको एंटरटेन करने के लिए हम आते हैं शो करने। तो जो भी, अगर कोई ना कोई तो पब्लिक का ही होगा जिसने कि ये सब किया है, फिर चाहे वो उधर के सपोर्ट के हो या इधर के सपोर्ट के हो, आई डोंट नो, जो भी था उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग ऐसा मत करिए, क्योंकि हम कलाकार सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए हैं, हम सिर्फ आपके लिए वहाँ आते हैं। और बात करूँ मनोज जी के साथ जो भी हुआ अभी, मनोज तिवारी जी हमारे भोजपुरी के आनबान शान है, भोजपुरी को फिर से खड़ा किया है तो मनोज तिवारी जी ने ही खड़ा किया है। तो ये बहुत गलत हो रहा है, क्या चल रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा, कभी खेसारी जी के साथ ऐसा हो रहा है, कभी मनोज जी के साथ हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। एक चीज़ और है, मुझे ये बात मीडिया में बोलनी चाहिए या नहीं मुझे नहीं पता, बट मुझे अपोजिशन पार्टी से फ़ोन आया था 2 दिन पहले कि ये जो चीज़ें हुई है मनोज जी के साथ, आप उसके खिलाफ बोलिए कि सही हुआ है मनोज जी के साथ जो कुछ भी हुआ है। अपोजिशन वाले ऐसा चाहते थे मुझसे बुलवाना, उन्होंने मोटी रकम की भी बात की कि अगर आप ऐसा वीडियो हमें शूट करके देते हैं तो हम आपको मोटी रकम भी देंगे इसके लिए। पर मैंने साफ इनकार किया कि नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी भोजपुरी को सपोर्ट करती हूँ और पैसे के लिए ये सब चीज़ें करना कभी नहीं, ऐसा तो हमसे कभी हो ही नहीं सकता। तो मैं दोनों लोगों के लिए, खेसारी जी के लिए भी और मनोज जी के लिए भी, बहुत तकलीफ है मुझे इस चीज़ का कि ऐसा हुआ है और ऐसा नहीं होना चाहिए किसी भी कलाकार के साथ।